हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमें फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना था, जो कि आरएच विटकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। और उन फाइव किंगडम्स में क्या क्या थे? सबसे पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, जो कि किसके लिए था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा, जो किसके लिए था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए। फिर हमने किंगडम फंगी की बात की, जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिम्स थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं था और वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं थे, यानी जाइलम फ्लोएम भी नहीं थे। और अब हमने पढ़ना शुरू किया है किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी में कौन आते हैं? किंगडम प्लांटी में आते हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर सेलुलोज सेल वॉल कंटेनिंग एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, याद होगा आपको। तो उसके बारे में पढ़ना हमने शुरू किया, जिसमें कि हमें पता चला कि किंगडम प्लांटी के भी दो डिविजन्स होते हैं, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड फेनेरोगेमी जो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। और क्रिप्टोगेमी में हमें तीन पढ़ना था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा हमने स्टडी कर लिया, क्या थे थैलोफाइटा? जिनकी थैलस बॉडी थी, यानी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था और एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता था। बाकी सारी बातें आपने पढ़ी हुई थी। फिर ब्रायोफाइटा क्या थे? ब्रायोफाइटा की बॉडी थोड़ी सी डेवलप थी किसकी तुलना में? थैलोफाइटा की तुलना में, लेकिन वो भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं था। और दूसरी बात, उनके पास भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, तो वो टेरेस्ट्रियल तो थे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को। लेकिन वो ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं थे। क्यों ट्रू टेरेस्ट्रियल इसलिए नहीं थे? क्योंकि वो नमी के आसपास, जो वाटर बॉडीज होते थे उनके आसपास ही वो रह सकते थे, या जहां पानी मौजूद होता था उसके आसपास ही रह सकते थे। लेकिन टेरिडोफाइटा, जो हम अब स्टडी करने वाले हैं, ये पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। दे आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास वेस्कुलर सिस्टम आ गया, यानी जाइलम फ्लोएम आ गया, यानी इनके कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये किसको इंक्लूड करता है, तो क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, यानी ये एकमात्र ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिसके मेंबर सीडलेस है, यानी सीड नहीं है लेकिन वेस्कुलर है। वेस्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम है। बाकी जितने जाइलम फ्लोएम वाले हैं सब के सब सीड प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ टेरिडोफाइटा के मेंबर ऐसे हैं जो जिनके पास जाइलम फ्लोएम भी है, यानी वो वेस्कुलर भी है लेकिन सीडलेस है, स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है। तो वैसे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं है लेकिन उनके पास वेस्कुलर सिस्टम है, यानी जाइलम फ्लोएम है, वो किसके मेंबर हो जाएंगे? टेरिडोफाइटा के मेंबर हो जाएंगे। टेरिडोफाइटा सबसे अधिक डेवलप्ड क्रिप्टोगेमी है। क्रिप्टोगेमी में जो तीन तरह के प्लांट्स है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें टेरिडोफाइटा जो है सबसे वेल डेवलप्ड, सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्रिप्टोगेमी है, मोस्ट डेवलप्ड क्रिप्टोगेमी है टेरिडोफाइटा। चलिए इसकी बात करते हैं, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। ये वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है, यानी सबसे पहली बात वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी। वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी का मतलब क्या? कि इनके बॉडी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड होगा, रूट्स अलग होंगे, स्टेम्स अलग होंगे, लीव्स अलग होंगे, यानी दे हैव टू रूट, टू स्टेम एंड टू लीव्स, यानी बॉडी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड हो चुका है। किसमें? लीव्स, रूट्स और स्टेम में। नेक्स्ट अगर देखिए, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, यानी इनका वेस्कुलर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड है, यानी जाइलम फ्लोएम इसके पास पूरा डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम होगा, यानी कि जो जाइलम होता है फ्लोएम आपने पढ़ाया किसी चैप्टर में, तो जो जाइलम और फ्लोएम होगा इसका वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम होगा। आगे अगर बात करें मोस्ट डेवलप्ड क्रिप्टोगेमी, अभी हमने तुरंत बात की, ये क्रिप्टोगेमी का सबसे अधिक डेवलप्ड मेंबर है। क्रिप्टोगेमी में जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें सबसे अधिक डेवलप्ड किसके मेंबर है? टेरिडोफाइटा के मेंबर है। अब अगर बात करें, इनके पास डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड्स, बिल्कुल सही बात है, ये क्रिप्टोगेमी है ना, तो क्रिप्टोगेमी है, इसके पास फ्लावर होगा ना सीड्स होगा, ठीक है। अब अगर बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, अगर फ्लावर सीड्स होगा नहीं तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। किसके थ्रू? स्पोर्स किसके थ्रू करेगा? स्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा के मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये याद रखने की चीज है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और किसके थ्रू स्पोर करेगा? किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स के थ्रू, सीड्स नहीं होंगे। आगे बात करते हैं सेक्स ऑर्गेन्स की, अगर बात करें, अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो सेक्स ऑर्गेन्स होंगे, तो जो सेक्स ऑर्गेन्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर
जब इसके पास फ्लावर है ही नहीं तो इसके जो गैमिट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो बनेंगे कहां? वो लीव्स पे बनेंगे बाबू, लीव्स का जो अंडर सरफेस है उस पर बनेंगे। अभी मैं तुरंत एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें आगे, आज का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम एंथेरिडिया कहते हैं, याद कीजिए। ब्रायोफाइटा में भी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया कहते थे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते थे। तो यहां भी हम पेरिडोफाइटा के मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडिया कहेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये स्पोर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये स्पोर्स बनाएंगे। इसके पास लार्जर साइज, इसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं बाबू, एक होता है स्मॉलर माइक्रो स्पोर्स और एक होता है लार्जर मेगा स्पोर्स। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्मॉलर माइक्रो स्पोर्स बनाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लार्जर मेगा स्पोर्स बनाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ बनाते हैं, यानी कि माइक्रो स्पोर्स भी और मेगा स्पोर्स भी। तो जो प्लांट, ध्यान से सुनिएगा, टेरिडोफाइटा के वैसे प्लांट्स जो सिर्फ या तो माइक्रो स्पोर बनाते हैं या मेगा स्पोर बनाते हैं, यानी एक ही तरह का जो स्पोर बनाएगा वो कहलाएंगे होमोस्पोरस। क्या कहलाएंगे? होमोस्पोरस। जो होमोस्पोरस प्लांट होंगे वो या तो स्मॉलर माइक्रो स्पोर बनाएगा या नहीं तो लार्जर मेगा स्पोर बनाएगा, वो दोनों नहीं बनाएगा, समझ गए। और जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जिनमें माइक्रो स्पोर भी बनता है और मेगा स्पोर भी बनता है, यानी स्मॉलर साइज का माइक्रो स्पोर भी बनता है और लार्जर साइज का मेगा स्पोर भी बनता है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेटरोस्पोरस। क्या कहते हैं? हेटरोस्पोरस। ये बात तो आप जानते होंगे कि स्पोर्स कहां बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर्स कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। तो वैसे प्लांट जो हेटरोस्पोरस प्लांट होंगे जिनमें माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर दोनों बनेंगे, उनमें अलग अलग स्पोरेंजिया में बनेगा, यानी स्मॉलर माइक्रो स्पोर्स अलग में बनेंगे और लार्जर मेगा स्पोर्स अलग में बनेंगे, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा एक एक स्पोरेंजिया के अंदर में माइक्रो स्पोर भी है और मेगा स्पोर भी है, ऐसा नहीं होता, समझ गए बात। तो ये हो गया, ये याद रखने की चीज है। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, इसका सबसे अधिक सबसे ज्यादा मेंबर्स है फर्न्स, सबसे ज्यादा मेंबर्स है फर्न्स। फर्न्स आपने देखा, इसके जो मेंबर होते हैं टेरिडोफाइटा के जो मेंबर होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, यानी बड़े खूबसूरत दिखते हैं। शादी ब्याह में तुमने सजाते देखा होगा, कार सजाया जाता है या स्टेज उस्टेज जो सजाया जाता है, पत्ते बड़े सुंदर सुंदर पत्ते जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फर्न्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? फर्न्स होते हैं। ठीक है, मैंने भी एक फर्न्स यहाँ ला के रखा है, हम लोगों की तरफ दिखता है ये, आप देख रहे होंगे, ये प्लांट आपने देखा होगा कभी जीवन में। दिस इज फर्न्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फर्न। ये फर्न का एक मेंबर है, ये आपने देखा होगा शादी उदी में भी सजाया जाता है या हम लोग की तरफ मिल जाता है। ये एक टेरिडोफाइटा का मेंबर है, देखते हैं इसमें स्टेम भी है, इसमें देखोगे इसका जड़ भी होता है नीचे, ये इसका स्टेम है और ये देखिए इसके लीव्स हैं। और मैंने क्या कहा, लीव्स के ऊपर में ये स्पोर्स बनते हैं, जरा गौर से देखिए, देखिए इसमें काला काला कलर का आपका दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा काला काला कलर का, उस काले काले कलर को अगर आप देखोगे वो सारे के सारे स्पोरेंजिया है। जो काला काला कलर का आपको दिख रहा है इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या है? एस्पोरेंजिया है। ब्लैक ब्लैक देखिए आप, सारे के सारे वो जो है वो क्या है? एस्पोरेंजिया है। ये सब एस्पोरेंजिया है, जिसके अंदर में क्या बन रहा होगा? स्पोर्स बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? स्पोर्स बन रहा होगा। आई होप आपको दिख गया होगा। तो ये फर्न्स है और फर्न्स जो है वो टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं। ये बड़े ही डाइवर्स होते हैं बाबू, हर जगह उगते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बरसात के महीने में ये ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनका रूट सीड वाले प्लांट की तरह ज्यादा गहराई में नहीं जाता है, फाइबरस रूट होता है, ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन फर्न्स जो होते हैं, आप जानते हो फर्न्स इतने यूनिक होते हैं कि वो दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर में भी जन्म जाते हैं। आप देखोगे, अगर आप जाओगे जो हमारा आम का पेड़ होता है, कलम उलम में जाओगे, आजकल तो आम का ही महीना है तो आप कलम में जाते होंगे, कलम जानते हो आप बिहार झंड में, तो कलम जानते होंगे जहां बहुत ज्यादा आम का पेड़ होता है, जहां हम लोग जाके आम तोड़ते हैं उसको कलम कहते हैं। तो कलम में आप देखिएगा आम के पेड़ के ऊपर में ये निकला रहता है और ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ये मत सोचिएगा ये छोटे छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े लंबे लंबे भी होते हैं। सबसे बड़ा बड़ा जो टेरिडोफाइटा के मेंबर्स होते हैं वो 40-40, 45-45 फीट लंबा होता है। तो बड़े बड़े भी होते हैं फर्न्स और छोटे छोटे भी होते हैं। साइज इसका वैरी करता है 1 इंच से लेके 45 फीट तक, तो वैरी करता है साइज। और इसको कोई दिक्कत है नहीं, इसके पास तो वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम है ना, तो साइज बड़ा भी हो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं स्पोर्स के थ्रू, इनमें इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर आपको दिख गया होगा, एग्जाम्पल याद आ गया होगा, तो बनता है होमोस्पोर्स एंड हेटरोस्पोर्स, दो तरह के प्लांट्स होते हैं। यही सारी बातें हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्न्स इसके 90% मेंबर्स क्या है? फर्न्स ही है। और अगर और बात करें तो हॉर्सटेल्स भी हैं और क्लब मॉसेज भी हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। क्लब मॉसेज में भी कुछ इसके मेंबर होते हैं, हॉर्सटेल्स में भी कुछ मेंबर्स होते हैं। आप
नोट सीट में देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप याद क्या रखेंगे, आप यही याद रखेंगे कि टेरिडोफाइटा वैसे प्लांट है जो सीडलेस है लेकिन वैस्कुलर है और सारी बातें, और इसके रिप्रोडक्शन मेथड को आप याद रखोगे, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, ज्यादा डिटेल्स में हमें जाना नहीं है, ज्यादा डिटेल्स में हायर क्लास में पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर जब क्लास खुलेगी तो हम लोग रिविजन करेंगे, जिसको और थोड़ा बेटर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या शुरू करेंगे, हेनरोगेमी शुरू करेंगे। हेनरोगेमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, जिम्नोस्पर्म पर, और फिर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म सबसे अधिक डेवलप्ड प्लांट्स है तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाबू, जिसमें हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।